नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पटना ने अनुबंध प्रतिनियुक्ति के आधार पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डिप्यूटी जनरल मैनेजर के 22 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती के संबंध में एक विज्ञापन जारी किया है। रिक्त अधिसूचना से संबंधित विवरण कुछ इस प्रकार है। भर्ती संगठन का नाम बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा पटना, पता पहली मंजिल उद्योग भवन पूर्वी गांधी मैदान पटना 804 बिहार। रिक्त पदों की बात करें तो कुल मिलाकर 22 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। पद का नाम, रिक्तियों की संख्या, अनिवार्य योग्यता और अनुभव और वेतन कुछ इस प्रकार है। पद का नाम है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक। रिक्तियों की संख्या कुल 4 पद है, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि औद्योगिक विकास के 2 पद है, जिसमें यूआर के लिए 1 पद और एमबीसी के लिए 1 पद है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के 1 पद है जो यूआर के लिए है। ऑपरेशन के 1 पद है जो यूआर के लिए है। पात्रता मानदंड की बात करें तो सीधी भर्ती के लिए किसी भी फैकल्टी में एमबीए डिग्री कोर्स के साथ 12 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ प्रतिनियुक्ति सेवानिवृत्ति उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा या बिहार प्रशासनिक सेवा में संयुक्त सचिव या समकक्ष के स्तर पर होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो सेवानिवृत्त उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 62 साल, सीधी भर्ती के लिए अधिकतम 50 साल होना चाहिए। वेतन की बात की जाए तो सीधी भर्ती वालों का वेतन 1,50,000 से 2,00,000 प्रतिमाह के वेतनमान के अनुमान के अनुसार दिया जाएगा, जबकि प्रतिनियुक्ति और सेवानिवृत्ति व्यक्ति के लिए वेतन सरकारी मानदंड के अनुसार दिया जाएगा। पद का नाम है डिप्यूटी जनरल मैनेजर उप महाप्रबंधक। रिक्तियों की कुल संख्या की बात करें तो 18 है, जिसमें टेक्निकल तकनीकी के 2 पद, यूआर के लिए 1, एमबीसी के लिए 1 पद है। इंडस्ट्रियल औद्योगिक के 11 पद है, जिसमें यूआर के लिए 3, यूआर महिला के लिए 2 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद, एससी के लिए 1 पद, एससी महिला के लिए 1 पद, एमबीसी के लिए 1 पद, बीसी के लिए 1 पद, एमबीसी महिला के लिए 1 पद है। फाइनेंस वित्त के 1 पद जो यूआर के लिए, लॉ कानून के 1 पद है जो यूआर के लिए है, आईटी के 1 पद है जो यूआर के लिए है, मीडिया ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन के 1 पद है जो यूआर के लिए है, एडमिन एनएचआर के 1 पद है जो यूआर के लिए है। अब अगर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो तकनीकी अनुशासन के लिए सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई, औद्योगिक विकास के लिए किसी भी स्ट्रीम में एमबीए या बीटेक, वित्त के लिए सीए कोर्स पास, कानून के लिए एलएलबी या समकक्ष, आईटी के लिए आईटी में बीई या बीटेक या एमसीए, मीडिया ब्रांडिंग और संचार के लिए जनसंचार में मास्टर्स डिग्री, एडमिन और एचआर के लिए एचआर या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में एमबीए। इन पदों के लिए अनिवार्य अनुभव की बात करें तो कार्य अनुभव डीजीएम के सभी पदों के लिए न्यूनतम 9 साल का कार्य अनुभव आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो डीजीएम के सभी पदों के लिए 30 जून 2022 तक अधिकतम 45 साल होना चाहिए। वेतन की बात करें तो डीजीएम के सभी पदों के लिए वेतनमान रुपए 1,00,000 से 1,50,000 के अनुसार प्रति महीने दिया जाएगा। नौकरी का प्रकार और अवधि, शुरू में ये नियुक्ति 3 साल के लिए संविदा या फिर प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी। अब सवाल है कि आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए है जो अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने होंगे। आवेदन कैसे करें तो इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले पात्रता शर्तों और आवेदन प्रक्रिया विस्तार से समझने के लिए रिक्त अधिसूचना का पूरा विवरण इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे दिए गए वेब लिंक का उपयोग करके पढ़ सकते हैं और दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 जुलाई 2022 है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।